नई सरकार बनने और तेजस्वी यादव के इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके शुभचिंतक और समर्थकों की संख्या भी बढ़ गई है। जो कल तक उनके विरोधी हुआ करते थे, उनके पार्टी की जमकर आलोचना करते थे, आज वो भी उनके साथी बन गए हैं। इन सब के बीच में आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी चूँकि विपक्ष में है, लेकिन उसके बावजूद भी लगातार तेजस्वी यादव को अलर्ट करती रह रही है। इसी संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी ने एक गुप्त संदेश भेजा है। उस संदेश में क्या कुछ लिखा है, किस तरह से तेजस्वी यादव को समझाने की कोशिश हो रही है, ये बातें हम आपको बताते हैं। लेकिन इससे पहले बता देते हैं कि लालू प्रसाद आज जिस हालात में, जिस अवस्था में हैं, उसके पीछे किन लोगों का हाथ है, ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि जिस तरह से लालू प्रसाद पर चारा घोटाला का ये पूरा मामला बना, उस समय ललन सिंह इसके मुख्य, जो कहा जाए तो इसको निकालने वाले थे, और रविशंकर प्रसाद ने इसकी शुरुआत की थी। राजद के उपाध्यक्ष वर्तमान में जो है शिवानंद तिवारी ने ही कभी अदालत और सीबीआई को वे दस्तावेज उपलब्ध कराए थे, जिसे चारा घोटाला के सभी 5 मामलों में लालू प्रसाद को सजा हुई। आज ये दोनों अगर सीबीआई को कोस रहे हैं और लालू प्रसाद के कसीदे पढ़ रहे हैं, तो लोकलाज छोड़कर कौन बदल गया है, ये बातें सुशील मोदी ने कही है। सुशील मोदी हालांकि लालू प्रसाद के प्रबल विरोधी रहे हैं, लेकिन कहीं नीतीश कुमार की तरह उनका भी जो प्रेम है लालू प्रसाद के प्रति, वो जाग तो नहीं गया है, क्योंकि सत्ता से बेदखल होने के बाद बहुत कुछ याद आने लगता है। साफ तरीके से सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव को अलर्ट किया है कि आपके पिता को जेल भेजने वाले आज आपके शुभचिंतक बने हुए हैं। यहाँ तक कि उन्होंने और भी कई बातें कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हिम्मत है तो ललन सिंह घोषणा करें कि लालू प्रसाद निर्दोष हैं और उनके विरुद्ध दिए गए सारे कागजात फर्जी हैं, जो खुद 3 माह में बदल गए, उन्हें दूसरों पर तंज कसने का क्या हक है। उन्होंने कहा कि जिस IRCTC घोटाले में तेजस्वी प्रसाद यादव पर चार्जशीट हुआ है, वो चार्जशीट कहीं ना कहीं अब सामने आया है, तो ऐसी स्थिति में उनका बेचैनी बढ़ना निश्चित रूप से है। उनके साथ सरकार में आ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनका इस तरह का व्यवहार करना इस बात की तरफ इशारा करता है कि पिता के बाद पुत्र को भी कहीं ऐसा तो नहीं कि जेल भेजने की तैयारी है और बिहार पर पूरी तरह से अपना एकाधिपत्य बनाने की तैयारी है। इन सारी बातों को लिखते हुए कहीं ना कहीं जिस तरह से सुशील कुमार मोदी ने अलर्ट किया है, वो देख करके ऐसा लगता है कि वर्तमान बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब बिहार की राजनीति में पूरी तरह से इंटरेस्ट लेने लगी है। और ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को पता है कि तेजस्वी यादव को टारगेट करने के बाद या तो उन्हें मना लिया जाए या फिर उन्हें तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार से दूर कर दिया जाए। बदली हुई परिस्थिति में सुशील मोदी ने जो बातें कही हैं, उन बातों में ऐसा नहीं है कि दम नहीं है। आपको बता दें कि इस पूरे माहौल में एक बात तो पक्का नज़र आ रहा है कि सुशील मोदी लगातार जिस तरह से बिहार की राजनीति में अब एक्टिव हो गए हैं, उसके क्या परिणाम निकलेंगे ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन लगातार जिस तरह से वो बिहार की राजनीति में खुलासे कर रहे हैं, वो एक बार फिर याद दिला रहा है 2015 से 2017 तक का जो माहौल था। इस बीच में आपको बता दें कि ललन सिंह लगातार कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के जो बयान दे रहे हैं, उन बयानों से भी बहुत कुछ साफ नज़र आता है। व्हाइट लैंड को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव को सीबीआई घेरने का प्रयास कर रही थी, वो तेजस्वी यादव के उस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने साफ तरीके से सपोर्ट किया है, और इसी तरह का सपोर्ट सुशील मोदी कहते हैं कि उन्होंने कभी लालू प्रसाद का भी किया था। राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने व्हाइट लैंड वाली पूरी जो कहानी है उसको ट्वीट करते हुए उसके आंकड़े पेश किए थे और उसे साफ अपने आप को अलग बताया था, उनका उससे कोई मतलब नहीं है। 2 दिन पहले उन्होंने लिखा था कि 2 दिन पहले गुरुग्राम के जिस मॉल को सीबीआई और गोदी मीडिया मेरा मॉल बता रहे थे, उनकी पोल खुलने के बाद
जब उस मॉल में हरियाणा के मुख्यमंत्री, बीजेपी सांसद व बीजेपी नेताओं की संलिप्तता सामने आई है तो चुप क्यों हैं। इसी को रीट्वीट करते हुए राजीव रंजन सिंह ने लिखा है कि भेद खुल गया, झूठे प्रचार के हाथ पैर नहीं होते, इसलिए बहुत देर तक चल नहीं पाता है। इसके साथ ही व्हाइट लैंड वाला वो दस्तावेज भी उन्होंने रखा है कि झूठ फरेब और चरित्र हनन करने के प्रयास का पर्दाफाश हो गया है। भाजपा के नेतागण पहले अपने गिरमान में झांक कर देखें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में जो हो रहा है वह पूरा देश देख रहा है। नैतिकता का पाठ पढ़ाने के बजाय पहले खुद नैतिकता का पाठ पढ़ें। सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं अब यह मामला दूसरी तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चाचा भतीजे को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है और इस राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का एक्टिव होना जरूर कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत दे रहा है। तेजस्वी यादव को अलर्ट करके भारतीय जनता पार्टी क्या इशारा करना चाहती है ये आप बेहतर समझ रहे हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव किसकी बात मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सुनते हैं या फिर नीतीश कुमार के साथ जिस तरह से सरकार चला रहे हैं इसको कंटिन्यू रखते हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।